कटरीना कैफ के धूम 3 के टाइटल सॉन्ग ने क्रिएट कर दी है बज, लेकिन अप्रिसिएशन के साथ लुक कॉपी करने का कटरीना पर लग रहा है इल्जाम। गाने में कटरीना के गोल्डन बूट्स और ड्रेस पॉप स्टार बियॉन्से के लुक की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, गाने के एक सीक्वेंस में कटरीना ने नियॉन ग्रीन ड्रेस के साथ कभी गोल्डन ग्लैडिएटर सैंडल्स पहने तो कभी वो पिंक हील्स में नजर आई। एक दूसरे लुक में जिस पिंक कॉर्सेट ब्लाउज में कटरीना दिख रही हैं हॉट, उसी डिजाइन के ब्लाउज में प्रियंका चोपड़ा को किया गया था स्पॉट इन हर म्यूजिक एल्बम। क्या ये है सिर्फ एक कंटिन्यूटी प्रॉब्लम या है ये कटरीना की लापरवाही? वैसे काफी टाइम से कटरीना अपनी पर्सनल लाइफ में ही उलझी नजर आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लव लाइफ के उलझनों ने कटरीना को कर दिया है उनके प्रोफेशनल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट, और कर बैठी हैं वो ये गलतियाँ जो कर रहे हैं सभी के आई बॉल्स अट्रैक्ट। क्या कटरीना ने अपना स्टाइल धूम 3 में इग्नोर किया है? आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने अपने स्टाइल को इग्नोर किया है। द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने किसी और के स्टाइल को कॉपी किया है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज शी इज वेरी प्रिटी, शी इज अ डीवा इन हर ओन राइट, एंड शी नीड्स टू बी सेटिंग ट्रेंड्स, शी डजंट नीड टू बी कॉपिंग देम एंड यू नो गोइंग थ्रू द होल मी टू सिंड्रोम। तो अगर वो इतनी देर अपनी आंखें मीच कर बैठी हैं जहाँ पर उनकी स्टाइलिस्ट उन्हें बेवकूफ़ बनाई जा रही हैं, इवन देन आई थिंक कटरीना इज एट फॉल्ट, बिकॉज ऑफन जब भी कोई ऐसा फैशन पॉपा होता है तो मैं यही कहती हूँ दैट द स्टाइलिस्ट नीड्स टू बी फायर्ड। बट हाउ मेनी मिस्टेक्स, आई मीन जब मीडिया ये कह रहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने बियॉन्से को या ब्रिटनी स्पीयर्स को कॉपी किया है एंड डिटो सेम आउटफिट्स पहने हैं, सो व्हाई वाज़न्ट कटरीना अवेयर? आई मीन एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, एंड फॉर कटरीना टू कॉपी दैट लुक राइट नाउ, इफ यू लुक इट्स द सेम ब्रिटनी स्पीयर्स आउटफिट दैट प्रियंका चोपड़ा गॉट हेल्प फॉर, एंड नाउ कटरीना इज रिपीटिंग इट आफ्टर व्हाट, आई मीन ऑलमोस्ट अ ईयर, and isn't she aware because this is something that was splashed everywhere and this is the so called infamous outfit you know that got Priyanka into trouble, and then if you look at the other picture unhone bilkul without any imagination Beyonce ki look ko copy kiya hai, it's a similar outfit, unke boots tak wahan se unhone inspire kiye hain. You know what, we are not living in the 18th century, we are living in a world that is completely connected to the internet, and aaj kal hame logon ki Ibiza ki picture mil jati hai to fir Beyonce ki pictures ka kya hai? Obviously people know what's happening. Main kai baar sochti hu ki Katrina India ko kitna backward samajhti hain. Beyonce ke ek nahi inhone do outfit copy kiye hain, one is the gold outfit, then she has the boots, and then it's the green outfit, she's wearing neon green here, and then Beyonce is wearing yellow there. Seriously, I mean, and she's quite blatantly copied Priyanka's outfit. Hum ye keh sakte hain ki Katrina ne bilkul hi Priyanka ki tarah similar outfit pehna hai, बस खाली कलर का डिफरेंस है, बट अदरवाइज इफ यू लुक एट द पिंक एंड ब्लैक थिंग इट्स सिमिलर, सो देयर इज ओनली अ कलर डिफरेंस इन व्हाट प्रियंका इज वेयरिंग एंड कटरीना इज वेयरिंग, इट्स ऑलमोस्ट द सेम लुक। और उन्होंने शूज भी सिमिलर पहने हैं? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने शूज सिमिलर नहीं पहने हैं, वही सेम ग्रीन ड्रेस में वो शूट कर रही हैं, एंड कहीं पर उन्होंने ग्रीन और पिंक सैंडल्स पहने हैं तो कहीं पर उन्होंने ग्लैडिएटर गोल्ड सैंडल्स पहने हैं। आई मीन सीरियसली मैं कह रही हूँ ना, वो सोचते हैं कि इंडिया में हम ब्लाइंडर्स लगा के चलते हैं, ना हमें कुछ सुनाई देता है ना हमें कुछ दिखता है, आई मीन ऑन आवर ओन, जो वो दिखाती हैं जो सुनाती हैं वही हमें दिखता है। पर ऐसा क्यों करेंगी कटरीना? आई डोंट नो, इट्स प्रीटी सैड बिकॉज वो मूवी में तो काफ़ी हॉट लग रही हैं, बट इतनी सिंपल डिटेल्स का अगर वो ध्यान नहीं रख पाई, सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोइंग डाउन।